Hello guys, my name is Nahid Ahmed. I am a professional English teacher and a guide to social science. I've been teaching for 6 years now. In this video, I will be taking you through what is non-cooperation movement, why was it launched and how it came to an end. In my previous video, I talked about what is Rowlatt Act, why was that imposed. फिर मैंने वहाँ पे ये भी बात किया व्हाट वाज जालियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत मूवमेंट. सो प्लीज चेक दैट वीडियो इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट ऑलरेडी. विद दैट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट अवे. तो डिस्कस करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन जैसे कि ये नाम है, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज कोऑपरेशन. कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी को सहायता करनी, हेल्प करना. नॉन कोऑपरेट मतलब उसको सहायता नहीं करना है, सहयोग हमें नहीं करना है. इसलिए हिंदी में इसका जो नाम है वो है असहयोग. सहयोग का मतलब होता है हेल्प, सपोर्ट, सपोर्ट नहीं करना है. तो ये जो मूवमेंट है ये 1920 में शुरू हुआ था और ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल चला, विच मीन्स इट एंडेड इन 1922. इसके एंड होने के पीछे भी एक कारण है, हम सब आज के इस वीडियो में इस चीज़ को जानेंगे. नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल हुआ, ये जो स्ट्रगल का जो मूवमेंट है इसमें इट इज़ वन ऑफ द मेजर इवेंट्स. इसका मतलब नॉन कोऑपरेशन हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग द फ्रीडम दैट वी हैव अचीव्ड सो फार. ये जो मूवमेंट है ये शुरू हुआ था एज आई सेड 1920 में एंड इट लास्टेड थ्रू 1922. सिर्फ 2 साल चला. And it was supported by Indian National Congress. ये एक political association था जो 1985 में बनाया गया था. तो इसके जितने भी prime member थे, जितने भी लोग थे, जितने भी leaders थे, everyone helped immensely in the support of non-cooperation movement. और सबने कहा कि जो non-cooperation movement है वो launch होनी चाहिए. And in this movement Gandhiji gave his full support. It means under the leadership of Gandhiji, this movement, which is non-cooperation movement, it was launched. इस movement का जो one of the major key points था वो ये था कि ahimsa, which means बिना हथियार उठाए, बिना hatred फैलाए, बिना खून खराबा किए हमें जो है अपने demands को peacefully attain करने थे. And this ahimsa, which is also known as non-violence, जिसको हमने पहले पढ़ा था, विच इज ऑल्सो नोन एज सत्याग्रह, इस पॉलिसी को महात्मा गांधी ने बहुत ही ज्यादा इसमें लगाया. एक्टिविस्ट जो है इसमें एक्टिविस्ट ने क्या क्या चीजें किए, जैसे ब्रिटिश जो गुड्स हैं वो खरीदने से लोगों ने मना कर दिया. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट, इसका मतलब हाथ से बने हुए लोकल बने हुए चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. एंड फिर इम्पोर्टेंटली जो है लिकर शॉप्स जो हैं उनके बाहर पिकेटिंग शुरू कर दी. व्हाट इज पिकेटिंग? पिकेटिंग का मतलब होता है कि हम जो है किसी को इस बिजनेस इंस्टीट्यूशन में ना जाने देंगे और ना ये चीज़ें खरीदने देंगे, उसको रोकेंगे. ओब्वियसली पिकेटिंग हम यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन के अंडर में हुआ था वो सिर्फ लिकर शॉप के लिए नहीं हुआ था, बल्कि बाकी जितने भी फॉरेन गुड्स बेचे जाते थे उनके बाहर भी किया जाता था. तो यहाँ पे पिकेटिंग होने लगी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली लिकर शॉप्स के बाहर में. तो गोल ये था थ्रू दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट वी आर गोइंग टू गेट बैक इंडियाज ओनर इंटेग्रिटी, उसकी जो सम्मान है इसको हम वापस लाएंगे. हाउ? इन पीसफुल मैनर, मतलब हथियार उठा के नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम इसको वापस लाएंगे. थाउजेंड्स ऑफ कॉमन पीपल इन ऑल, तुम्हारे मेरे जैसे आम आदमी, डे लेबरर्स, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट. रैली करना जानते हो तुम, एक साथ निकलना, एक साथ निकले टू प्रोटेस्ट दैट वी आर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, और हम जो डिमांड्स कर रहे हैं इनको मिटिगेट करना पड़ेगा, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी इट वॉज लाइक अ थ्रेट. हम ऐसे कॉन्स्टेंट करेंगे एंड इट विल बी एन इंसल्ट टू ह्यूमन काइंड, और आपको ये सुनना ही पड़ेगा. तो इसलिए जो है बहुत सारे बड़े बड़े रैलीज निकले. एंड हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मास मूवमेंट जिसमें इतने सारे लोग जो हैं एक साथ आ गए. एंड दैट टू हैव इंडियाज इंडिपेंडेंस, लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए था, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था.
अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट कल्मिनेटेड ओवर टाइम लीडिंग टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिड नॉट कम टू बी जस्ट लाइक एनीथिंग. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे एंड सिग्निफिकेंट कॉजेज भी थे. कुछ कॉजेज जो है हमने पिछले डिस्कशन में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं एज वी वेर डिस्कसिंग राइज ऑफ गांधी. तो यहाँ पर कुल मिला के ऐसे 5 रीजंस हैं जिसके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी को लॉन्च करनी पड़ी. इंडियन नेशनल को इस पर एंडेवर देनी पड़ी, इसको लॉन्च करना पड़ा. फर्स्ट वन इज दी डिससेटिस्फैक्शन एट द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. सबको पता है बिकॉज ब्रिटेन, the allied force said that if they won in the World War I, they were going to give India its independence. But after their triumph, they did not keep their words and they were not likely to, you know, halt their colonial power in India. And that gave Indian people a big discomfort. And it has taken a big toll on India's economy and human resource. And because India mein sare log, even Mahatma Gandhi ne Gujarat mein बहुत सारे किसानों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था. एंड ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे उस समय में जिन्होंने आम आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था, बिकॉज दे वेयर होपिंग दैट इसके एंड पर, वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने पर, दे विल गेट देयर फ्रीडम. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया का इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया. इट हैड अ टोल, मतलब सीरियस कॉन्सिक्वेंस. इट सीरियसली सफर्ड. वॉट सीरियसली सफर्ड? इंडियाज इकोनॉमी एंड ह्यूमन रिसोर्स. एज यू नो कि जब वार होता है या फिर वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन आती है, बहुत सारे लोग मरते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर उससे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट पड़ता है. पॉइंट 2 में क्या था? पॉइंट 2 में ये टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया था. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी केम टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. वो था रावलात एक्ट ऑफ 1919. क्योंकि ब्रिटिश का जो ऑपरेशन है, देयर ब्रूटल मेंटालिटी अपॉन अस एंड देयर यू नो अनकम्फर्टिंग जो बिहेवियर है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था. उनका जो क्या कहूँ उसको, एक तरह का करप्शन या फिर एक्सप्लोइटेशन इज द राइट वर्ड, वो बढ़ रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट सिडनी रावला जो है, उन्होंने आए, उनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया. किसके ऊपर रिपोर्ट बनाया? एज आई सेड दैट द रिपोर्ट वॉज मेड ऑन टू सी हाउ मेनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आर इमर्जिंग इन इंडिया, ताकि ये रेवोल्यूशनरीज को रोक दे. रेवोल्यूशनरीज यूजली क्या करते हैं? दे ट्राई टू एजुकेट दी कॉमन पीपल. उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग समझ सके कि इनके साथ क्या रॉन्ग हो रहा है, और इनको एक पेज में लाने की कोशिश करते हैं. तो रावलात जी जो हैं, सिडनी रावलात जो है, ये आए थे अपने कमीशन को लेके इसके ऊपर रिपोर्ट करने की, वट आर द रीजन्स एंड हाउ कैन वी स्टॉप दैट. इसके बेसिस पर क्या हुआ? रावलात एक्ट ऑफ 1919 जो है पास कर दिया गया, और इसके मुताबिक एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड विदाउट एन FIR एंड कुड बी पुट टू जेल विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years. 2 साल तक हम इंडियंस को जेल में रखा जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनीथिंग एट ऑल. एंड गांधी जी जो है इस एक्ट के अंदर में, इन्होंने फर्स्ट टाइम नॉन वायलेंस जो है, द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह उन्होंने यूज़ किया था, एज यू नो, अप्रैल 6 में, एंड देन अप्रैल 13 में जालियांवाला बाग मसाकर हुआ था. सो दिस वॉज द सेकेंड रीजन वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड. थर्डली देखो, जालियांवाला बाग मसाकर, मैंने पॉइंट 2 में इसके बारे में बात किया था, क्योंकि जनरल डायर ने जो इनह्यूमन एक्टिविटी की थी, और उस जो गार्डन के अंदर सिर्फ वॉल्स वेयर हाई एंड देर वॉज ओनली वन एंट्रेंस, एंड निहत्ते लोगों पर, डिफेंसलेस लोगों पर उन्होंने जो है गोली चला दी, एंड मेनी पीपल डाइड एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वोंडेड. दैट वॉज अनदर रीजन लोगों को पता चल गया कि दिस इज नॉट आस, कि ये कॉलोनियल पावर हमारे लिए कुछ करने वाला है नहीं, वी नीड टू डू समथिंग टू सप्रेस इट. फोर्थली जो है, इट वॉज इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिश हमेशा से, जब से ये यहाँ पे आए हैं, बैटल ऑफ पलासी से लेके, या फिर फ्रॉम द वेरी एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर्स, जब से वो यहाँ पे आए हैं, दे सो दैट इंडिया वॉज फिल्ड विद रिचेस, बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट इट. तो उनका हमेशा से वही मोटिवेशन रहा है कि हाउ कैन दे लूट वट्स बेस्ट हियर एंड यू नो एक्सपोर्ट इट इन देयर कंट्री एंड देन मैन्युफैक्चर एंड बिकम लाइक अ ग्रेट वर्ल्ड पावर. तो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन उन लोगों ने बहुत सारा हमारे ऊपर किया है, हमारे रिसोर्सेज के साथ एक्सप्लोटेशन किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ एक्सप्लोटेशन किया है, अल्टीमेटली कहें तो जियोग्राफी के साथ भी
उन्होंने एक्सप्लोटेशन किया है ये सारे सड़कें। वैसे तो देर आर लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिटिश, जैसे उन्होंने हमारे लिए रस्ते बनाए, रेलवे बनाए, एजुकेशन सिस्टम दिया, बट ये सारे चीज़ें जो उन्होंने किया है, अगर हम हिस्ट्री वैसे हमने 9 में थोड़ा बहुत हमने हिंट इसके बारे में लिया है, दैट दे डिडंट डू ऑल दीज थिंग्स फॉर अस, दे डिड इट फॉर देमसेल्फ्स, दे एजुकेटेड अस सो दैट वी कैन वर्क इन देयर कंपनीज लाइक क्लर्क्स, एंड दे मेड रेलवेज सो दैट दे कैन यू नो एक्सपोर्ट थिंग्स फ्रॉम रिमोट एरियाज लाइक टू अ लार्ज एक्सटेंट, और उसके बाद सड़कें बनाए सेम काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाए सेम काम करने के लिए। सो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन वॉज अनदर रीजन वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। एंड फिफ्थली जो है इंडियन मुस्लिम्स यू नो हैड लॉन्च्ड खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि उसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, खालिफ को जब हटा दिया गया था क्योंकि एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एंड होली प्लेसेस जो है सेक्रेट प्लेसेस हैं वो वायलेट होने वाले थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल द मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकेम सेंटिमेंटल, एंड इंडिया में भी सेम हुआ, इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो बिकेम वेरी सेंटिमेंटल, मौलाना शौकत अली एंड देर वर अदर गाइज जिनके मोहम्मद अली जिनके नेतृत्व में ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। सो इंडियन मुस्लिम्स स्पेशली उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया था टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ये जो तुर्की का जो एम्पायर है इसको मतलब टू रीइंस्टेट द खलीफा अगेन, टू रीइंस्टेट देयर सुल्तान अगेन सो दैट द होली प्लेसेस कैन बी सेव्ड। तो ये एक अनदर रीजन है व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च, क्योंकि हमें पता है द खिलाफत मूवमेंट वाज नॉट अ सक्सेस, बट गांधी वाज एबल टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम ऑन द सेम पेज, एंड ही वाज आल्सो एबल टू इनकल्केट हिज फिलॉसफी दैट इज सत्याग्रह, कि हमें वायलेंट नहीं होना, हमें पीसफुली चीज़ों को जो है अटेन करनी है। देन 1919 में एक एक्ट लॉन्च हुआ दैट वॉज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उस पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी दिए गए और इंडियंस के लिए कुछ कुछ प्रोमिसज दिए गए, बट वो प्रोमिसज नहीं दिए गए जो इंडियंस एक्चुअली डिमांड कर रहे थे, मतलब इंडियन बहुत सारे चीज़ें चाहते थे कि गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटी दे करने की, वो सारे चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर हुआ नहीं, जिसके वजह से जो नेशनल लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसका मतलब इंडिया में, वो सारे नेशनल लीडर्स जो हैं वो डिसिल्यूशन हो गए, एंड दे डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्योंकि उनको लगने लगा दैट इट इज़ नॉट सफिशियंट इनफ टू प्रोवाइड अस जस्टिस, यू नो जस्टिस टू द इंडियंस, ऐसे लगने लगा कि इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड जस्टिस टू द इंडियंस, एंड दे डिक्लेयर्ड टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने डिसाइड कर लिया बिकॉज दीज आर द थिंग्स वी हैव डिमांडेड, और ये सारे चीज़ें फुलफिल नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डिसाइडेड कि हम जो क्या करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन अ स्पेशल इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर मैं कहूँ मीटिंग पर, ये जो स्पेशल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कैलकाटा में हुआ था 1920 में। सेशन का मतलब इट्स लाइक अ मीटिंग वेयर ऑल दीज लीडर्स कम टुगेदर, इवन महात्मा गांधी वॉज प्रेजेंट देयर, एंड दे डिसाइडेड वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू, क्या हम लॉन्च करें, आर वी लाइक लिटरली रेडी टू लॉन्च दिस। तो जो कलकत्ता में 1920 में ये सेशन हुआ, ये मीटिंग हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें गांधी जी भी थे, एंड इट वॉज डिसाइडेड सीरियसली डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू चैलेंज ब्रिटिश इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली। इकोनॉमिकली कैसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा हिंट मिला था दैट वी वेर काइंड ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एंड बॉयकॉटिंग लिकर, मतलब शराब मदिरा जो है उसको हम बॉयकॉट कर रहे थे, और उनके बनाए गए कपड़ों से लेकर जितने भी चीज़ें हैं उनको भी हम बॉयकॉट कर रहे थे। सो अगर हम, क्योंकि उस ज़माने में बहुत लार्ज अमाउंट पर शराब बिकते थे एंड फॉरेन गुड्स बिकते थे इन कंपैरिजन टू हैंडक्राफ्ट कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि हैंडक्राफ्ट ओबियसली वो दाम ज़्यादा थे और वो वहाँ से मशीन से बना के लाते थे, तो उनका दाम बहुत कम था। मार्केट में जो है फॉरेन जो गुड्स थे उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च कर दिया गया टू चैलेंज ब्रिटिश इकोनॉमी, कि अगर हम लेंगे ही नहीं तो आप तो हमारी डिमांड फुलफिल करने में, मतलब यू हैव टू फुलफिल आवर डिमांड्स इफ वी स्टॉप बाइंग द थिंग्स, सो इफ वी स्टॉप कोऑपरेटिंग विद यू। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसने इट इग्नाइटेड इमोशंस इन ऑफ द पीपल, बिकॉज पीपल वेर इमोशनली टच्ड, बहुत हो गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे 5 रीजन पढ़े, बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी लोगों के साथ हो गया था, एंड इमोशन जो है वो ओवरवेलम हो गया था, मतलब एकदम उबल गया था, वाज जस्ट इनफ, वाज जस्ट कमिंग आउट, एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स यू नो
also participated in it, and they came together in the on the same page, and there were huge bonfire, kapde chalaye gaye, foreign cloth chalaye gaye, different places, just to support that we no longer want to obey you, we are directly cooperating. It's like ek tarah ka jang tha, but that movement was launched peacefully according to the principle of satyagraha. Shop jo hai jo foreign goods बेचते थे, shops that were selling foreign goods and liquors, इसका मतलब मदिरा जो बेच रहे थे, people especially volunteers started to picket them, started to boycott them, started people prevent from buying these things and like liquor and foreign clothes, कि मत खरीदो इससे ये होगा, लोगों को समझाने लगे. अगर simply कहूँ तो they started to make people aware. Students jo hain, they left the government institutions and the government institutions and government colleges, and later on joined the desi institutions. Aise bahut sare desi institutions jo hai Vidyapeeth jinko hum kehte hain, unka bhi sthapna hui thi. So non cooperation ki wajah se Indian industrialization mein bhi bahut sara benefit hua, and sath hi sath mein jo hai education jo hai local education hua, ya fir aise put karo main isko ki Indian literature jo hai wo bahut hi zyada usko limelight mili. मिदिनापुर जो है ये बंगाल में एक जगह था जहाँ के पेजेंट्स जो है उन्होंने एक नो टैक्स पेइंग कैंपेन शुरू कर दिया था, दैट वी आर नॉट गोइंग टू पे टैक्सेस एनीमोर. ये कैंपेन उन्होंने अपने हिसाब से शुरू कर दिया था कि टैक्स पे नहीं करेंगे. सो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट दे स्टार्टेड. कांग्रेस ने क्या किया ऑन टॉप ऑफ, बिकॉज मेनी पीपल मेनी स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस, सो कांग्रेस सेटअप लाइक लोकल विद्यापीठ, लोकल स्कूल्स. लाइक जैसे यहाँ पे कुछ नाम है बुक्स में, बुक में तुम्हारे इफ यू फॉलो योर बुक, काशी विद्यापीठ है, बनारस विद्यापीठ है, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, ये सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बनाए गए. सेठ जमुना लाल करके एक बजाज करके एक बहुत ही रिच व्यक्ति थे, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है 1 lakh rupees पर ईयर देंगे वॉलंटियर वकीलों को, जो नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जिनको मतलब हम सबको पता है कि लॉयर बनने से पहले हमें जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसको ही हम कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, जो एक किसी के अंडर में काम करते हैं, दे नोन एज अप्रेंटिस. सो सेठ जमुना लाल बजाज जी ने कहा कि मैं 1 lakh सालाना दूंगा नॉन प्रैक्टिसिंग जो लॉयर्स हैं उनको दूंगा, तो यू कम आउट ऑफ the courts of the British and try to work in the local justice system of our country. इसमें बहुत सारे जो है कांग्रेस ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड करीबन 40 lakh पीपल वॉलंटियरली ज्वाइन इन दिस मूवमेंट. 40 lakh इमेजिन करो उस टाइम, इट वॉज क्वाइट अ लॉट, पीपल इतने अवेयर नहीं थे, उसके बाद भी 40 lakh पीपल टू कम टूगेदर, इससे ये पता चला पीपल वेर वेरी मच क्या कहूँ मैं अनकम्फर्टेबल या फिर डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश के डिमिनियर से, उनके बिहेवियर से. 20,000 चरखा जो है जो स्पिनिंग व्हील्स होते हैं इनको मैन्युफैक्चर किया गया ताकि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं इनको बढ़ावा मिले. ऑन टॉप ऑफ दैट पीपल जो हैं उनके जो झगड़े हैं जिनके लिए वो ब्रिटिश अदालतों में लोकल कोर्ट्स में जाया करते थे, कमिश्नर्स वगैरह सॉल्व किया करते थे, दे स्टार्टेड टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन का अगर मैं सिंपल फॉर्म में पुट करूँ तो लाइक पंचायत के फॉर्म में लोकली अपने झगड़ों को, चाहे वो जमीन लेके हो या फिर डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने लगे. मीन्स दे डिड नॉट गो टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. दैट ऑल्सो मैंट कि हम क्या कर रहे हैं, we were boycotting the government institutions. Tilak Swaraj karke fund bhi tha, theek hai, this was very important, it started to finance the non cooperation. ab ye non cooperation movement hai, ye ek tarah ka non government ngo ki tarah hai, ek institution hai, isko chalane ke liye paise chahiye, itne sare log hain, they will be doing this and that, you need money. So this was like a fundraiser, and it raised fund and it financed non-cooperation movement, and trust me, it was able to collect 1 crore of rupees in a very short period of time. It means people were willing to contribute as well. Isme ladkiyon ne bhi bahut sara participate kiya, actively participate kiya is movement mein. Even you know the Prince Wales jo Bharat mein aaye the us samay mein, it was like very beautiful and handsome and all that.
सो पीपल यूजुअली जो है लोग देखने तो जाते ही हैं, उनको भी बॉयकॉट कर दिया गया. मीन्स नोबडी लिटरली वेंट देयर टू सी प्रिंस चार्ल्स. देखने गए नहीं प्रिंस वेल्स, सॉरी प्रिंस वेल्स को देखने बिल्कुल ही गए नहीं. गांधी जो है ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे भारत में टोल लगाए उन्होंने, सो दैट दे कैन विप दिस एंथुजियाज्म. ये जो एंथुजियाज्म है इसको लोगों के दिलों तक पहुंचा सके. एंड बिकॉज ऑफ दैट गांधी एज यू कैन सी ही टूर्ड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एटलीस्ट ही ट्राइड टू टूर एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. ही इवन केम टू गुवाहाटी इन द ईयर 1921. उसके बारे में भी हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पर. ऐसे ही बोला जाता है कि ही केम टू सिलचर एज वेल. इसके बारे में मुझे इतना प्रोफाउंड नॉलेज है नहीं, बट यस ही केम टू सिलचर एज वेल, ऐसा भी कहा जाता है. एज आई हैव हर्ड फ्रॉम सोर्सेज, आई हैव नॉट वेरीफाइड दैट ऑल्दो. ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये जो लॉन्च किया गया था, इसके टू साइड्स हैं. एक है इसका नेगेटिव साइड और दूसरा है इसका पॉजिटिव साइड. सो सबसे पहले इसके पॉजिटिव साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं. नॉन कोऑपरेशन जो है लॉन्च करने की वजह से प्रमोटेड अ लॉट ऑफ स्वदेशी थिंग्स. इसका मतलब हम लोकलाइज करेंगे चीज़ों को, नेशनलाइज करेंगे चीज़ों को. ये बात जो है बहुत ज़्यादा ही इम्प्रोवाइज की गई इसके ऊपर और इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया. लोगों ने इसके ऊपर काम किया. सो बहुत से जैसे ऐसे इंडस्ट्रीज जो बंद हो पड़े थे, जैसे जो है हैंड स्पिनिंग मशीन ले लो या फिर वीविंग मशीन ले लो. हैंड स्पिनिंग जो मतलब चरखा है, वीविंग मतलब जिससे हम कॉटन निकाल के थ्रेड बनाते हैं जिससे बाद में जाके कपड़े बनते हैं. तो ऐसे इंडस्ट्रीज भी जो है वो रिवाइव हुए. इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसके ऊपर इट इवन हेल्प रिमूव अनटचेबिलिटी. अछूत की जो प्रथा थी, इस प्रथा को हटाने में भी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने बहुत सारा मदद किया अमोंग हिंदूज. ठीक है, हिंदू में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी. ब्राह्मिन्स में उनमें जो जात पात का जो सिस्टम है उसमें बहुत ही सारा ये प्रॉब्लम था. इस प्रॉब्लम को भी हटाने में मदद की नॉन कोऑपरेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक साथ आ गए एंड उनके डिफरेंसेस जो हैं वो आखिरकार जो हैं बिल्कुल ही मिटिगेट हो गए. और उसके पॉजिटिव साइड्स में ये हुआ कि जैसे अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स थे वो सारे बंद हो गए. एंड जो तिलक स्वराज फंड था उसने 1 करोड़ रुपए जो है एज ए फंड रेजर कलेक्ट भी कर लिया था. सो वो भी आता है इसके जो है पॉजिटिव साइड में. अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव साइड में ट्रिपल बॉयकॉट एक चीज़ है जो सामने आया. इसका मतलब लोगों ने एक साथ 3 चीज़ें बॉयकॉट कर दी. लेजिस्लेचर को बॉयकॉट किया, कोर्ट को बॉयकॉट किया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इन्होंने जो है बॉयकॉट कर दिया. वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जैसे कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस बॉयकॉट हुए जो पहले गवर्नमेंट एड से चलता था. मतलब गवर्नमेंट जिन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को पैसे देता था सालाना, जिससे सैलरी वगैरह ये सब होता था, तो ये सारे बंद हो गए. तो ये भी इसका एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है. माइनर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जैसे बहुत सारे लोगों ने ऑनर्स एंड टाइटल्स को जो है रिटर्न कर दिया. इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी नाम आता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात किया था कि हाउ ही रिटर्न्ड हिज नाइटहुड टाइटल, और इसमें वो भी बताया था कि नाइटहुड टाइटल होता क्या है. इन नेगेटिव स्टेप्स लेने की वजह से कुछ पॉजिटिविटी भी आई. क्या पॉजिटिविटी आया? देखो, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिविटी आई. What kind of positivities that came from these negatives? जैसे arbitration जो है, self-governance, पंचायत, इसकी स्थापना हो गई एंड लोग जो हैं अपने अंदर में ही जितने disputes हो रहे थे वो खुद ब खुद solve कर रहे थे and they were not going to the courts. उसके on top of that, national schools and national colleges were opened up, so people stopped going to the government schools and colleges, so they literally came back and all these educational institutions became Indianized. मतलब स्पेशली वो बच्चे जिन लोगों ने गवर्नमेंट एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया था ताकि वो अपने एजुकेशन को जो है कंटिन्यू कर सकें. ये क्लियर कर दिया गया कि अहिंसा जो है, इसका मतलब नॉन वायलेंस जो है वो इसका मूल बात होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा एंड एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैट, दैट हैज़ टू बी देयर. एंड इट वॉज स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड. Said that all the non-cooperators, people who are supporter of this non-cooperation movement, they have to implement ahimsa, which is non-violence, at any cost. And satya jo hai, jiska matlab holding on to truth, usko bhi log jo hai nahi chhod sakte hain under any circumstances, ye bhi bataya gaya.
जैसे मैंने पहले बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था, दैट वाज अ स्पेशल सेशन जो 1920 में हुआ था, और उसी में डिसीजन लिया गया दैट वी शुड लॉन्च अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू यू नो प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिकली. वैसे ही ये जो मूवमेंट है, एक दूसरा मीटिंग हुआ लेटर ऑन आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स जो कि नागपुर में हुआ. उस नागपुर में जो मीटिंग हुआ उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो दिसंबर में हुआ था 1920 में, ऑब्वियसली उसमें ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया विल नॉट स्टॉप राइट नाउ एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज टू अटेन स्वराज विच मीन्स इंडिपेंडेंस. मतलब किसी भी हाल में हम अभी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन मकसद ये हो गया कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, अब हम जो है आज़ादी लेने के बाद ही छोड़ेंगे, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस हमको चाहिए. और ये जो इंडिपेंडेंस है हम बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से लेंगे एंड पीसफुल मैनर में लेंगे, वायलेंट बिल्कुल ही नहीं होंगे. विद दैट वी सी दैट अ न्यू एरा ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रेज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. लोगों के अंदर में एक नया जोश आ गया, ये हम देखते हैं. कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिसाइडेड कि अब वो क्या करेंगे, एक पॉलिसी बेस्ड डायरेक्शन फॉलो करेंगे. ठीक है, डिसाइडेड टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट एक्शन. तो डायरेक्ट एक्शन वो लेंगे और अब वो पहले की तरह चुप नहीं रहेंगे, ये कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया. एंड कांग्रेस जो है एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, मतलब एक ऐसा पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बन गया दैट वॉज सपोर्टेड बाई मेनी पीपल, सपोर्टेड बाई अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल. Now we will talk about how non-cooperation movement come to an end, जो कि 1922 में non-cooperation movement ख़त्म हो गया. तो ये जो movement है इतना short-lived क्यों था और इतना जल्दी ये movement ख़त्म क्यों हो गया, इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे. As you know that Mahatma Gandhi stuck with the resolution such as non-violence सत्याग्रह, वो यही चाहते थे कि किसी भी हाल में violent नहीं होना है. And at any cost, under any circumstances, you have to stick to truth. सच्चाई के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहना है. But you know, against his all these ideas and philosophies and his wishes, उनके उन्होंने जो भी instruction दिया था, there were people you know at certain places and they could not remain peaceful. बिल्कुल ही नहीं, वो शांतिपूर्वक तरीके से रह ही नहीं पाए. ऐसा हमेशा होता है, you know, कुछ लोग जो हैं वो समझते ही नहीं है भाषा को. तो वैसा ही हुआ नॉन कोऑपरेशन के टाइम पर. गांधी जी जो है टाइम एंड अगेन बोल रहे थे कि नॉन वायलेंस की पॉलिसी को हमें आगे लेके जाना है, पीसफुल मैनर में हमें सब कुछ अचीव करना है. बट ऐसे बहुत से लोग थे जो इस बात को समझ नहीं पाए और अगेंस्ट में चले गए और वायलेंट मेथड्स जो है वो उन्होंने ले लिया. यहाँ पे एक डेट है, ऑन फेब्रुअरी 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ, एक सीरियस मॉब वायलेंस हो गया, मतलब पब्लिक वायलेंस हो गया एक जगह जो है जिसका नाम है चौरी चौरा. ये गोरखपुर में है एंड इट वाज यूनाइटेड प्रोविंस अंडर ब्रिटिश इंडिया. तो उस जगह पर एक इवेंट हो गया, एक बहुत ही खतरा मॉब वायलेंस हो गया. क्या हुआ था वहाँ पे, प्रोटेस्टर्स वहाँ पे यूजुअली थे एंड लोकल पुलिस यू नो ट्राइड टू स्टॉप द प्रोटेस्टर्स. इस हाथापाई में जो है पुलिस ने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो है हाथ लगा दिया, उनको मार दिया, जिसके वजह से प्रोटेस्टर्स भी जो हैं वो भी उन पुलिस के साथ भिड़ गए. तो एक फाइट शुरू हो गई. यूजुअली ऐसे होता है, हमने फिल्मों में भी ऐसे ही देखा था. तो वैसे ही सिचुएशन वहाँ पे था. तो इस हाथापाई में 3 प्रोटेस्टर्स ठीक है फ्रॉम दी गांधी साइड, 3 प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मर गए इन द पुलिस फायरिंग, क्योंकि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. सो पुलिस थॉट दैट लेट्स अनाउंस द फायरिंग. तो फायर हो गया, उसमें 3 लोग मर गए. प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए. दे वेंट देयर एंड बर्न डाउन द पुलिस स्टेशन. और इस बर्निंग डाउन में उन्होंने करीबन 22 पुलिसमैन जो हैं उनको जगह में ही मार दिया, क्योंकि लोग एग्रेशन में थे. 22 ठीक है, 22 पुलिसमैन को उन्होंने जगह पे ही मार दिया. गांधी जो है, जब गांधी जी को इस बारे में खबर मिला, गांधी वॉज एब्सोल्यूटली शॉक्ड, बहुत ही ज्यादा वो शॉक पे चले गए. एंड ही फाउंड आउट कि विदाउट एडिक्वेट डिसिप्लिन, अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन ना हो तो ये एक हिमालयन ब्लंडर है. मतलब हिमालयन ब्लंडर इज अ प्लेस दैट मीन्स अ बिग मिस्टेक. गांधी जी को ये रियलाइज हो गया कि अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन लोगों पे नहीं ला सके तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था. उन्होंने वो ये सोचने लगे कि पीपल डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स एंड प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन के बिना ये मूवमेंट कंटिन्यू नहीं हो सकता है. एंड ये मूवमेंट जो है बिल्कुल ही एक हिमालयन ब्लंडर की तरह हो गया है.
तो उन्होंने क्या किया, ही व्हाट एट वंस उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट जो है इसको बंद कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, एंड ही वेंट ऑन टू फास्ट फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के लिए वो भूख हड़ताल पर चले गए। यहाँ पर देखो हिमालयन ब्लंडर जो है, मैं मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ, नॉट गूगल दैट। हिमालय में जैसे हमें पता है कि स्नोफॉल्स होते रहते हैं, ग्लेशियल अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, सो इफ़ यू आर अ ट्रैकर, अगर तुम वहाँ पे चढ़ रहे हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। एंड तो उसका मतलब वो सिचुएशन बहुत डेंजरस होता है, तो हम अगर कहते हैं हिमालयन ब्लंडर, इसका मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज अ सीरियस इशू, ठीक है। और एक बात यहाँ पे है कि गांधी जी 3 हफ्तों के लिए फास्ट पर चले गए, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा। देखो जब हम किसी को अपना आइडियल मानते हैं और अगर हम उसको कष्ट में देखते हैं, जैसे यू मे थिंक दैट योर फादर इज़ योर आइडल, योर मदर इज़ योर आइडल, तो अगर वो तुम्हें कुछ ना बोले और वो अपने आप को दर्द देने लगे, देन तुम्हें और ज़्यादा ख़राब फील होता है। तो गांधी डिड दैट बिकॉज वो एक नॉन वायलेंस का एक प्रिंसिपल है, इसके लिए वो 3 हफ्ते के लिए फास्ट में चले गए। एंड उन्होंने ये सोचा कि पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ विद द डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन के बिना दिस मूवमेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत से ऐसे कांग्रेस के लीडर थे दोज हु अप्रिशिएटेड गांधी दिस डिसीजन, कहा कि गांधी जी ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने कहा दैट गांधी इज़ राइट, बट एट द सेम टाइम कुछ और भी लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, गांधी वाले फिलोसफीज ठीक नहीं है, हमें वायलेंट मेथड्स लेने पड़ेंगे, दे स्टक टू वायलेंट मेथड्स। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ गए, कुछ लोग जो है गांधी जी को सपोर्ट करने लगे, एंड दी अदर पीपल थॉट दैट नहीं, हम ये कंटिन्यू करेंगे, ये पीस वीस से कुछ होने वाला नहीं है, वायलेंट मेथड से ही हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। गांधी जी को जो है 10 मार्च 1922 में अरेस्ट कर लिया गया था, एंड ही वॉज पुट टू अ प्रिजन फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। और कारण ये लगा है कि आपने लोगों को इंस्टिगेट किया है, लोगों को भड़काया है और गवर्नमेंट के खिलाफ, उस मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनको भड़काया है और रिवोल्ट करने के लिए बोला है, जबकि गांधी ने पीसफुली डिमांड करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ नहीं बोला। बट स्टिल इवन आफ्टर गोइंग टू द जेल, गांधी बिल्कुल ही अपने रेजोल्यूशन जो है नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, उसके ऊपर वो टिके रहे, उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। गांधी के जेल जाने की वजह से और एक नया मूवमेंट भी शुरू हो गया जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उन्होंने गांधी जी के डिसीजन को, जो सही लोग थे जो काम कर रहे थे, क्योंकि सब तो अगेंस्ट में नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर ऑन द साइड ऑफ महात्मा गांधी, तो जो कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स थे वाइल गांधी वॉज इन जेल, उन्होंने ये रेटिफाई किया और ये डिसीजन लिया कि गांधी जी ने कहा कि दिस मूवमेंट हैज टू स्टॉप, इसको स्टॉप होना पड़ेगा। याद रहे फेब्रुअरी 5 में ये इवेंट हुआ था चोरा चोरी में, तो फेब्रुअरी 12, 1932 में, कुछ ही दिन में, लगभग एक वीक के अंदर ही दिस मूवमेंट केम टू एन एंड, इट वॉज कॉल्ड ऑफ डायरेक्टली। सो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करो नीचे, एंड शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनको सच रियली ज़रूरत है किसी टीचर की और इस सिचुएशन में। टिल देन कीप रीडिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।